हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके वर्ग तीन के सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। हम वर्ग तीन का सिलेबस पूरा करते चल रहे हैं मैथमेटिक्स का, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको काफी कंफ्यूजन थे, उन्हीं को लेकर मैं आज का भी वीडियो लाया हूँ। और इनमें हम सीख रहे हैं भिन्न, यानी कि हमने कल सीखा भिन्न भिन्न की अवधारणा, सरलतम रूप, और अब हम आगे पढ़ेंगे सम भिन्न, विषम भिन्न आदि, और भी जो भिन्न है उनके बारे में, और फिर इनको जोड़ना घटाना वो सब हम सरल रूप में सीखते चलेंगे। यानी कि भिन्न एक ऐसी चीज होती है जो आपके नंबर कम करा सकती है, और इसे ही मैं सरल रूप में लेकर आया हूँ। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपको वर्ग तीन सी टेट MPPSC से रिलेटेड बेस्ट बुक्स की जानकारी चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज @ अतुल कुमार शर्मा 09 पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने वो बुक्स की जानकारी शेयर कर दी है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमने इसको समझ लिया, यानी कि जो पहला पॉइंट है वो हमने समझ लिया है जो कि संख्या पद्धति थी, और इसके अलावा जो तीन पॉइंट है उस पर मैं आपको अलग से ही वीडियो लाऊंगा। मैंने कहा था क्योंकि ये सब हमको आता है और थोड़ा हमें रिवीजन करना है और कुछ नहीं, तो ये जो पॉइंट है तीन आप भी समझते हो, क्योंकि जहां तक जोड़ना घटाना हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, ये सभी हमको आता है और इसके ऊपर भी मैं वीडियो जरूर लाऊंगा। लेकिन विशेष मुझे जो आपको सिखाना है वो भिन्न को सिखाना है। और कल के जो हमारा वीडियो था उसमें हमने भिन्न सीखी, भिन्न की अवधारणा पढ़ी, सरलतम रूप सीखा, आज हम सीखेंगे सम भिन्न, विषम भिन्न और भी जो भिन्न के रूप होते हैं वो। दोस्तों तो आज का वीडियो भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वर्ग तीन का है बहुत खास होने वाला है। तो चले हम सीखें पहले भिन्न और सम भिन्न और विषम भिन्न को कैसे पहचाना जाता है, और भी भिन्न के रूप हैं उन्हें आपको सीखना है सरलतम रूप में। यानी मैथमेटिक्स को हमें इतना सरल बना देना है कि आप मैथमेटिक्स में से पूर्ण स्कोर हासिल कर सकें दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे सामने आ गया है सवाल की सम भिन्न और विषम भिन्न की पहचान, और ऐसे सवाल आपको वर्ग तीन में आ सकते हैं, इनमें आप कंफ्यूजन में ना, इसलिए मैं आपको प्राथमिक स्तर से जो बेसिक मैथ होता है उसी के अकॉर्डिंग सिखाता चल रहा हूं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है आप स्वयं देख रहे हैं, इसमें लिखा है निम्नलिखित भिन्न में से सम भिन्न कौन सी है, यानी कि ये जो आपकी भिन्न दी गई है इन सब में से आपकी सम भिन्न कौन सी है ये आपको पता लगाना है। और इसके बारे में हम जाने उससे पहले हम अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं दोस्तों, जो इसी से रिलेटेड है, यानी कि क्वेश्चन नंबर दो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दो कहता है कि निम्नलिखित भिन्न में से विषम भिन्न कौन सी है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर दो है आपका जिसमें से आपको विषम भिन्न पहचाननी है। ऊपर दी गई भिन्न में से आपको सम भिन्न पहचाननी है, नीचे भिन्न में से आपको विषम भिन्न पहचाननी है, और ये आपके कुछ उदाहरण दिए गए इनमें से आपको बताना है कि विषम भिन्न कौन सी है। हम इन दोनों को आराम से पता लगा सकते हैं, लेकिन हमें इसकी पहले परिभाषा पता होनी चाहिए। तो पहले हम चलें थोड़ा हम परिभाषा, और परिभाषा जो भी मैं आपको बता रहा हूं उसे प्लीज दोस्तों लिख लें और याद करते चलें, जिससे कि आप सम भिन्न और विषम भिन्न में कंफ्यूजन में बिल्कुल भी ना आए, ठीक है? तो ये हमारी सम भिन्न की जो है परिभाषा है दोस्तों, इसे आप प्लीज नोट जरूर कर लें। सम भिन्न की परिभाषा क्या है, यदि किसी भिन्न में अंश हर से छोटा है होता है तो इस प्रकार की भिन्न को सम भिन्न कहते हैं। किस भिन्न को सम भिन्न कहते हैं, यदि किसी भिन्न में अंश, अंश मीन्स ऊपर जो लिखा जाता है, ये आपका जो ऊपर लिखा गया है ये अंश कहलाता है, और ये नीचे लिखा गया है ये हर कहलाता है। तो जो ऊपर है वो क्या है, अंश, हर से छोटा होता है, यदि वो हर से छोटा है तो इस प्रकार की भिन्न को हम क्या कहते हैं, सम भिन्न। अब इसके उदाहरण भी देख लेते हैं दोस्तों, जिससे कि आपको ये पक्का हो जाए, क्योंकि उदाहरण बहुत जरूरी होते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं जिन्हें आप नोट जरूर कर लें। जैसे कि पहला क्वेश्चन था 3/7, तो अंश छोटा है इसमें और हर बड़ा है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी, सम भिन्न। क्योंकि आप स्वयं सोचें कि 3/7 लिखा हुआ है, तो 3 जो अंश है वो छोटा है और इसका हर बड़ा है, तो ये हमारी हो गई सम भिन्न। यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है उसे भी आप देख लें, जो कि सम भिन्न को ही दर्शाता है, कि 3/5 में अंश छोटा है और जो हर है वो बड़ा है, तो ये हमारी कौन सी हो गई, सम भिन्न। तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब ये परिभाषा आपको अच्छे से याद होगी। ये परिभाषा कैसे भी करके आपको नहीं भूलना है, साथ में इसके जो जो उदाहरण है दोस्तों वो भी आपको याद होने चाहिए, यानी कि जो मैंने ये उदाहरण आपको बताए हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर आपको परिभाषा भी याद हो गई, इसके उदाहरण भी याद हो गए, तो आप सम भिन्न को हाली पहचान लेंगे। अब हम चलते हैं विषम भिन्न की परिभाषा के ऊपर, जो कि आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, और इन्हें सबको आपको नोट जरूर करना चाहिए दोस्तों।
तो दोस्तों ये है आपकी विषम भिन्न की परिभाषा। विषम भिन्न क्या कहती है? यदि किसी भिन्न में अंश हर से बड़ा या बराबर होता है, बड़ा हो या बराबर होता है, इस प्रकार की भिन्न को हम विषम भिन्न कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। प्लीज दोस्तों इसे नोट जरूर कर लें और अच्छे से याद कर लें कि विषम भिन्न की परिभाषा क्या है। यदि किसी भिन्न में अंश हर से बड़ा या बराबर होता है, बड़ा हो या बराबर होता है, इस प्रकार की भिन्न को हम विषम भिन्न कहते हैं। और इसके भी उदाहरण मैंने कुछ ले रखे हैं जिन्हें कि आपको बिल्कुल समझना चाहिए, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण दिए हुए कि देखें, जैसे कि हमारा प्रश्न नंबर 2 में उदाहरण थे कि इनमें से कौन सी विषम भिन्न है। तो यदि आप इन सबको देखोगे, जैसे कि अंश बड़ा है, 7/3 में अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो ये क्या कहलाएगी? विषम भिन्न। यहाँ पर देखें 5/3, तो 5 जो है अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो ये विषम भिन्न कहलाएगी। तो ये इसके उदाहरण हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर आपको ये पूरा याद होना चाहिए दोस्तों, तभी आप इसको सही से निकाल पाएंगे। यदि ये आपको याद नहीं होगा तो फिर आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो जो इसकी परिभाषा है वो बिल्कुल याद होना चाहिए कि जो अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है तो विषम भिन्न कहलाती है, और ये इसके उदाहरण हैं। तो प्लीज दोस्तों इन्हें अच्छे से आप क्लियर हो जाएं कि विषम भिन्न और सम भिन्न में क्या अंतर होता है और इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, ये आप इन उदाहरणों से समझ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम समझ चुके हैं मिश्र भिन्न, विषम भिन्न और सम भिन्न, यानी कि तीन चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो इनमें से हम कौन कौन सी बातें आप समझ चुके हैं? विषम भिन्न के बारे में, सम भिन्न के बारे में। अब हम बात करेंगे मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न कैसे पहचानी जाती है और उसकी क्या परिभाषा होती है, वो भी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो जैसे कि आप एक उदाहरण देख रहे हैं और ये आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि निम्नलिखित भिन्न में से मिश्र भिन्न कौन सी है? 3/7, 7/3 या आपकी मिश्र भिन्न है, ये आपको पहचाननी है। और ये आप चुटकियों में पहचान सकते हैं यदि इनकी परिभाषा आपको याद है दोस्तों, है ना। तो पहला कौन सा है? 3/7, 7/3 और 2 सही 1/4। इसे कैसे पढ़ते हैं? 2 सही 1/4। तो इसमें आपको एक नई चीज देख रही होगी, देखने को मिल रही होगी दोस्तों, वो कौन सी है? 2 सही 1/4, ठीक है। तो मिश्र भिन्न जो होती है वो यही होती है, 2 सही 1/4, यानी कि 3/7 और 7/3 हमारी मिश्र भिन्न नहीं कहलाएगी, हमारी मिश्र भिन्न कहलाएगी 2 सही 1/4। अब इसकी हम परिभाषा समझ लें, जिससे कि हमको ये बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी दोस्तों। तो परिभाषा बहुत जरूरी है और परिभाषा आपको याद करनी है, तभी आप इसमें परिपक्व हो पाएंगे। मीन्स मैथ जो होता है बहुत सरल होता है, यदि हम स्टेप बाय स्टेप उसे सीखते चलें। तो इसकी ये परिभाषा है और नोट जरूर कर लें दोस्तों, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, कि मिश्र भिन्न को पहचानना, निम्नलिखित भिन्न में से मिश्र भिन्न को पहचाने। मिश्र भिन्न की परिभाषा, तो इसकी परिभाषा क्या है? यदि किसी भिन्न में अंश और हर के साथ पूर्णांक लिखा होता है, पूर्णांक मीन्स क्या है? ये 2 बना हुआ है यहाँ पर, 2, तो वो इसका पूर्णांक होता है। तो इस प्रकार की भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपने 2 भिन्न तो देखी हुई है, 3/7, 7/3, लेकिन 2 सही 1/4 जो भिन्न है वो आपके लिए नई है, ये मिश्र भिन्न है। और ये इसकी परिभाषा है, यदि किसी भिन्न में अंश और हर के साथ पूर्णांक लिखा होता है तो इस प्रकार की भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं दोस्तों। तो आई थिंक आप यहां तक समझ गए। अब इसके उदाहरण भी देख लेते हैं, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए दोस्तों, है ना। तो इसके आप उदाहरण देखें, इसका उदाहरण क्या है कि जो 2 है वो पूर्णांक है, 1 जो है वो अंश है और 4 जो है वो हर है, तो ये कौन सी कहलाएगी? मिश्र भिन्न। यानी कि आपको फोकस यहाँ पर करना है जहां पर पूर्णांक लिखा होता है। 2 सही 1/4 में ये मिश्र भिन्न कहलाएगी, ना ये सम भिन्न में आएगी, ना विषम भिन्न में आएगी, ये आएगी मिश्र भिन्न में दोस्तों, ठीक है। अब भिन्न के 2 रूप और हम देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये भी आपके अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, सजातीय विजातीय भिन्न को पहचानना, इसमें से सजातीय कौन सी भिन्न है और विजातीय कौन सी भिन्न है। तो दोस्तों आप नीचे क्वेश्चन देख रहे होंगे कि दिए गए भिन्न सजातीय हैं या विजातीय हैं, और इसमें 1/7, 4/7, 3/7, 5/7 और 12/7 दिया गया है। इसमें आपको बताना कि ये सजातीय है या विजातीय है। और नीचे हम चलते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और है दूसरे नंबर का, जिसमें यही सेम दिया गया है
कि दिए गए भिन्न में सजातीय है या विजातीय है, यानी 1/3, 2/5, 3/4 और 5/6 और 15/8 में से ये सजातीय है कि विजातीय है। अब इसकी हम जब तक परिभाषा याद नहीं कर लेंगे इसे हम नहीं निकाल सकते, तो हम पहले परिभाषा देख लेते हैं और वो आपको लिखनी है दोस्तों, याद करनी है, इसलिए मैं परिभाषा आपको लिख के लाया हूं जिससे कि आप कंफ्यूजन में बिल्कुल जाए नहीं। तो यहां पर आप देख रहे हैं सजातीय भिन्न, समान हर वाली भिन्नों को सजातीय भिन्न कहते हैं, जिनके हर समान हो, हर मीन्स जो नीचे संख्या लिखी होती है उसे हम हर कहते हैं, तो वो अगर समान है तो वो सजातीय भिन्न है। और विजातीय भिन्न कौन सी कहलाती है, जिनमें आपके हर असमान, जैसे इसमें लिखा है विजातीय भिन्न असमान हर वाली भिन्नों को विजातीय भिन्न कहते हैं, जिनमें जो हर है वो असमान है, एक दूसरे से समानता नहीं रखते हैं। तो ये जो इसकी परिभाषा है दोस्तों बिल्कुल आप याद कर लें, क्योंकि कंफ्यूजन में आप कभी नहीं आओगे यदि ये परिभाषाएं आपको याद हैं। अब हम वापस ऊपर के क्वेश्चन पर चलते हैं जिससे कि हम उन्हें हल कर सकें। तो इसमें आप देख रहे हो ये वाली हर में जिसके जो नीचे हर हैं वो बिल्कुल समान है, यानी देखो 7, 7, 7, 7, 7, यानी 1/7 में 4/7, 3/4, 7, 5/7 और 12/7, तो इसमें जो हर हैं वो बिल्कुल समान है, तो ये सजातीय भिन्न कहलाएगी। अब नीचे की आप भिन्न देख रहे हो, ये देखो, तो 1/3 अलग है, 2/5 अलग है, 3/4 अलग है, 5/6 अलग है, 15/8 अलग है, यानी कि 3, 5, 4, 6, 8 ये दोनों किसी से किसी का मेल नहीं हो रहा है, तो इसके जो हर हैं वो अलग हैं, तो ये कौन सी भिन्न कहलाएगी, विजातीय भिन्न। तो इसकी जो परिभाषा है वो मैंने आपको नीचे दिखा दी थी, ये परिभाषा नोट कर लें और इस हिसाब से इसे हम हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो आपका सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, सजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न, इन पर आधारित था। आगे चल के भी मैं और सारी भिन्नों पर आपके लाने वाला हूँ वीडियो, जिससे कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना आए और जो भिन्न है बिल्कुल आपको सरलतम रूप में समझ में आने लगे दोस्तों, क्योंकि गणित जो होता है वो सरल ही होता है यदि हम स्टेप बाय स्टेप सीखते चलें। तो ये आज के क्वेश्चन थे जो हमारे आधारित थे सिलेबस पर, और सिलेबस के अकॉर्डिंग में और भी वीडियो लाता रहूंगा दोस्तों। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।